एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, ये जो वीडियो शुरू हो रहा है ये थर्सडे से ही शुरू हो रहा है, जहाँ से मैंने अपना थर्सडे वाला वीडियो एंड किया था ना। तो बस यहाँ पर जो है ना, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और अभी जो है मैं सुबह जो फटाफट से अपना ये वाला रूम थोड़ा सा जो है ठीक ठाक कर देती हूँ ना, तो बस वही कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग यहीं पर बैठते आजकल खाना वगैरह इसी रूम में खाते हैं। अच्छा, बेडशीट मुझे चेंज करनी थी इस रूम की, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी जितनी भी बेडशीट वगैरह है ना, वो सारे दूसरे रूम में है और दूसरे रूम की हालत अभी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वहाँ पर जा पाऊँ, क्योंकि वो पूरा पैक है, पूरे रूम की मास्किंग हो रखी है। और मास्किंग तो छोड़ो, जो गंदगी पड़ी है ना उस रूम में, अभी थोड़ी बहुत देर बाद आपको मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पर बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक मैंने कर दिया है ताकि हम लोग यहाँ पर बैठ सकें। और आज जो है वंशिका के पापा को भी ऑफ़िस नहीं जाना है, तो बस यहाँ पर जो है वो बैठ के अपना ऑफ़िस का काम करेंगे। तो थोड़ा बहुत टेबल वगैरह भी मैं क्लीन कर रही हूँ, हालाँकि इतनी मोटी मोटी धूल की तभी सारी चीज़ों में चढ़ चुकी है ना, कि जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से पानी के साथ धुलेंगी नहीं, तब तक जो है ना ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएंगी। बट फिर भी वही है कि अपनी तसल्ली के लिए एक बार जो है मैं इस वाले रूम को क्लीन कर देती हूँ, एक बार नहीं बल्कि मैं इवनिंग टाइम पे भी इसको क्लीन करती हूँ। और वो क्लीनिंग तब होती है जब सब लोग जो है काम करके चले जाते हैं। उसके बाद मैं नहा धो के अपना आ गई हूँ किचन में, मुझे पूजा करनी है। सबसे पहले जो है मैं दिया बत्ती कर देती हूँ और उसके बाद जो है मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो जी, फाइनली अब जाके टाइम मिला है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, वरना सुबह से मेरे पास बिल्कुल फुर्सत ही नहीं होती है कि मैं थोड़ा सा जो है रिलैक्स करूँ। क्या सोच रहे हो आप कि मैं ये क्या पी रही हूँ? तो चलिए मैं आपको बता दी कि मैं ये क्या पी रही हूँ। ये जो है ना, ये एक डिटॉक्स ड्रिंक है जिसे मैं पी रही हूँ। तो एक्चुअली होता ये है कि हम इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को तो आपको पता ही है, हमें बैक टू बैक जो है वीडियो शूट करने पड़ते हैं, बैक टू बैक ट्रैवल करना पड़ता है, घर में इतना सारा काम होता है, उससे क्या होता है ना कि हमारे खाने पीने का रूटीन बिल्कुल भी जो है ना फिक्स नहीं होता है। जैसा कि आजकल आप मुझे देख ही रहे हैं, खाने पीने का रूटीन बिल्कुल फिक्स नहीं है, जिस वजह से क्या होता है हम लोग जंक फूड की तरफ कुछ ज़्यादा जाते हैं। अभी इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ होती है ना, जैसे कि हमारी जंक फूड खाने की हैबिट और हमारा ट्रैवल करना, क्योंकि पॉल्यूशन, जंक फूड, ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, मिल के जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स हमें ना हो और हम इससे कैसे दूर रह सकते, इसीलिए ओजीवा का ये ग्रीन एंड हर्ब्स जो डॉक्स एंड डाइजेस्ट है, ये मेरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ओजीवा सुपरफूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स एक एल्कलाइजिंग ड्रिंक है जो इम्प्रूव करता है आपकी स्किन की हेल्थ को और साथ ही साथ एक्ने और पिंपल को भी रिड्यूस करता है। इसमें स्पिनिच, क्लोरिला, मोरिंगा जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, साथ ही साथ आपका डाइजेशन सिस्टम है उसको भी बहुत इम्प्रूव करते हैं। एक सर्विंग सुपरफूड जो ग्रीन्स एंड हर्ब्स है ना, वो बराबर है 10 सर्विंग बाउल्स ग्रीन्स के, जो कि हमें डेली रिक्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि क्लीनिंग करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं हमारे रीजेनरेटिंग सेल्स को। ये बूस्ट करता है आपके ब्रेन को और हार्ट हेल्थ को, साथ ही साथ आपकी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखता है। 100% सर्टिफाइड है, वेगन है, कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं है। वैसे तो आप इस डिटॉक्स ड्रिंक को कभी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सुबह खाली पेट इस ड्रिंक को लीजिए और साथ ही साथ जो है ना इसे मेल और फीमेल दोनों जो है यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके जो है प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। तो जी चलिए, पूजा वगैरह जो है मेरी हो चुकी है, अब जल्दी से जो है गर्मा गर्म जो पराठे हैं गोभी के वो बना लेते हैं। तो आपको पता ही है प्रिपरेशन तो मैं पहले ही करके चली गई थी, मैंने बस जो है अभी आटे को अच्छे से सेट करना है, अच्छे से गूंदना है, उसके बाद गोभी है ना उसमें मैं मसाले मिक्स करूँगी। तो बहुत सारे लोग कॉमेंट भी करते हैं कि दी, जब भी हम पराठे बनाते हैं तो पराठे जो है ना वो फट जाते हैं, तो उसका एक रीज़न यही होता है कि अगर आटा अच्छे से सेट नहीं होगा तो पराठे फट जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप पराठे बनाना मतलब शुरू करते हैं तो आटे को ना कम से कम 20 से 25 मिनट पहले गूंथ के सेट होने के लिए रख दीजिए,
तो पराठे जो है ना वो कभी भी नहीं फटेंगे। मतलब कि जितना अच्छा जो है आटा गूंथा होगा उतने ही अच्छे पराठे बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है गोभी मैंने ग्रेट करके रखी थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाला था, तो गोभी ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है, मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। उसमें मैंने हरी धनिया कट की है और साथ ही साथ जो हरा वाला नमक मैंने पीसा था वो ऐड किया है, ये वही हरी मिर्च वाला नमक था। अच्छा, ये नमक पीसने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप चाहे आलू के पराठे बना रहे हो, चाहे आप मूली के पराठे बना रहे हो, तो आप बस हल्का सा ये नमक डाल दीजिए, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मिक्स पहले कर चुके हैं, हरी मिर्च वगैरह, तो आपको बाकी सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। और जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। वाकई पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे ना कि बस ऐसा लग रहा था कितने सारे गरम गरम पराठे मिल जाते और हम कितने सारे खा लेते। हालांकि खाए हमने दो दो ही, बट अगर आप किसी और को देंगे ना तो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो एक बार ना जैसे जो नमक पीसते हैं ना उसको ज़रूर डाल के देखिएगा इस तरीके से किसी भी स्टफिंग में। यहाँ पर जो है मैं गर्मा गर्म बस यहाँ पर पराठे बना लूँगी, तो अभी क्या करती हूँ ना मैं कि अपने लिए भी और इनके लिए भी, दोनों के लिए साथ ही बना दूँगी, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि मैं गरम गरम इनको रूम पे खाना देने के लिए जाऊं, क्योंकि पूरे रूम जो है ना मतलब सबके दरवाजे हम लोग बंद रखते हैं, क्योंकि जब काम होता है ना घर में तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि लकड़ी का काम भी हो रहा है, साथ ही साथ पूरा जो दीवारों का काम होता है वो भी हो रहा है, तो हर चीज़ में मतलब धूल उड़नी ही उड़नी है। तो इस वजह से जो है पहले मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग ना आराम से बैठ के फिर नाश्ता कर लेंगे रूम पे। यहाँ पर पराठे जो है मैं बना चुकी हूँ, बस थोड़ा बहुत किचन है उसको मैं मतलब हल्का फुल्का सा सेट कर दूँगी, अभी ये जो बर्तन वगैरह ये उठा दूँगी। उसके बाद ये है इवनिंग का टाइम, तो सारे जो वर्कर्स हैं वो काम करके जा चुके हैं, लेकिन इवनिंग टाइम में उनके जाने के बाद एक बार मैं फिर से पूरे घर में जो है अच्छे से क्लीन करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। आप देख सकते हैं कि सामान पूरा बिखरा हुआ है और इतना ज़्यादा जो है कचरा निकलता है ना, हमने ना कॉर्नर में ना सारा इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि ये सारा जितना भी कचरा है, सारा मटेरियल है, ये उसी दिन यहाँ से जाएगा जिस दिन हमारा काम कंप्लीट होगा, क्योंकि ये थोड़ा नहीं है, बहुत सारा है, इतना सारा है कि इसके लिए कम से कम बिना मतलब एक बड़ा जो जैसे ट्रॉली होती है ना वो लानी पड़ेगी, तब जाके ये सारा मटेरियल जाएगा। उसके बाद थोड़े से मैंने कपड़े रखे हुए थे, मतलब सुखाए हुए थे, उनको मैं अंदर ले आई हूँ और बस इनको मैं ना जल्दी से फोल्ड करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों को ना नहाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि इवनिंग टाइम पे उनको भी मैं जो है एक बार नहला धुला देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी में पूरे बच्चे भी जो है परेशान रहते ही हैं। थोड़ा सा ये होता है कि जैसे आप शावर ले लो तो नींद अच्छी आती है रात को ना, तो बस यहाँ पर बच्चे भी नहा धो गए हैं, मैं थोड़े से कपड़े फोल्ड करूँगी और उसके बाद मैं भी जो है शावर लेने जाऊँगी, क्योंकि मेरी जो है रात की पूजा का टाइम हो गया है। यहाँ पर जो है मैं नहा धो के आ गई हूँ, मुझे जो है ना बच्चों के कपड़ों पे प्रेस करनी है, तो मैं ना आज प्रेस भी जो है अपने पड़ोसियों से मांग कर लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी सामान होता है प्रेस वगैरह का वो सब मेरी अलमीरा में होता है जो कि दूसरे रूम पे है, तो बस बच्चों के जो है कपड़ों में प्रेस वगैरह कर दूँगी। अच्छा, इस टाइम पर इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है ना सारी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि एक तो सामान नहीं मिल रहा है, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, कुछ भी ढंग से अरेंज नहीं है, उसके ऊपर से जब बच्चों को स्कूल जाना होता है और जब सामान नहीं मिलता है ना तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना, क्योंकि देखिए काम अपनी जगह है, बच्चों का स्कूल अपनी जगह है, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वही है कि कितनी भी परेशानी हो अपना काम तो करना ही पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी ही पड़ती है, और ये सारे काम ना माँ के होते हैं, बच्चों के कपड़े ढूँढो, सारी चीज़ें करो, क्योंकि माँ ही रखती है, उन्हें ही पता होता है कि कहाँ पर हमने क्या चीज़ें रखी हुई है। उसके बाद ना मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि मैं ना दाल बॉईल करके जो है चली गई थी, तो दाल बॉईल हो चुकी है, मैं आज मसूर की दाल बना रही हूँ और बस हल्का सा मैंने उससे घी, जीरा और हींग से जो है दाल में लगा दिया है तड़का, तो दाल बनके रेडी है। अच्छा, नाइट तक वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं होती है ज़्यादा कुछ खाना बनाने की, तो मैं ना हल्का फुल्का इसी तरीके से दाल चावल या दाल रोटी ही बनाती हूँ। इधर दोनों बच्चों के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा मिल्क गर्म कर रही हूँ, तो हुआ ये था कि इवनिंग टाइम में बच्चों ने मैगी खाई थी, उसके बाद उनको ना बहुत तेज़ नींद आने लगी थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मा हमें नींद आ रही है, तो ज़बरदस्ती करके मैंने उन्हें हाफ हाफ ग्लास दूध दे दिया। यह
है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो सुबह देखिए आसमान एकदम क्लियर है, काफ़ी अच्छा खासा जो है व्यू है, और काफ़ी दिन बाद आपको ये बैल्कनी का व्यू दिखा रही हूँ। बाकी तो सारी बैल्कनी बिल्कुल भरी हुई है, यहाँ पर बच्चे बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए, तो बस उनके पापा जो है उनको स्कूल छोड़ के आ जाएंगे, मतलब बस स्टॉप तक छोड़ देंगे। और अभी मैं आपको जो है अपने पूरे घर के एक बार हालात दिखाती हूँ। तो जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना, हमारे जो वर्कर्स हैं जो घर में काम करें वो आ जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर काम कर दिया है उन्होंने शुरू, और बाकी रूम की हालत आप देख सकते हैं। ये देखिए ये स्टडी रूम बन रहा है बच्चों का, जो कि हमारा मंदिर वाला रूम था आपने देखा होगा, और ये वो वाला रूम है जहाँ पर मेरी अलमीरा रखी है, और यहाँ पर आप देखिए फॉल सीलिंग का काम चल रहा है, तो ये देखिए तो उसमें इतना ही ज़्यादा कचरा होता है। और ये तो सिर्फ अभी एक रूम है, बाकी पूरे घर में होना है, और अभी आगे आगे मतलब मुसीबत और आनी है। उसके बाद बस अपना जो है मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे बर्तन वगैरह जो है ना वो वॉश करने थे, ये सुबह नाश्ते के ही बर्तन हैं, तो बस मैंने सारी चीज़ें जो है ना पहले अरेंज की है, उसके बाद जल्दी से बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। अच्छा, बच्चों को टिफ़िन में मैंने आज पनीर का पराठा दिया था, और दोपहर तक के लिए मैंने शाही पनीर बना दिया था, ताकि फिर दिन में मुझे ज़्यादा कुछ बनाना ना पड़े। रेसिपी आप लोगों के साथ आज नहीं शेयर कर पाई, आप समझ सकते, थोड़ा सा मतलब मेरे दिमाग से भी निकल गया, और मुझे ये लग रहा था कि मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, वीडियो शूट करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस वजह से। तो दोपहर तक के लिए शाही पनीर बनाया था, बस बर्तन वगैरह सारे वॉश हो चुके हैं, उसके बाद बारी आती है अपना किचन काउंटर टॉप क्लीन करने की, हॉब क्लीन करने की। और हॉब में बहुत मोटी मोटी धूल की परत जो है वो चढ़ी रहती है, मैं जितनी बार किचन में आती हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि दी ये ना सारी चीज़ें ढक दो, बट मैं पता है अभी बताऊँ आपको एक चीज़ कि मेरे पास जितनी बेडशीट थी सारी जो है ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि सारा सामान जो है मैंने ढका हुआ ही है, तो मुझे जो भी मिला मेरे ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने सबसे ढक दिया है। इस टाइम पे मेरे पास ऐसा एक भी जो है ख़राब कपड़ा नहीं है जिससे मैं सारी चीज़ें ढक सकूं, इसीलिए हॉब वगैरह मैं नहीं ढकती हूँ, मैं कहती हूँ चलिए साफ़ करना ही है तो हो जाएगा। और बस यहाँ पर जो है थोड़े से कपड़े लगाए थे उनको निकाल लेंगे, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।